morning students in this video i'm going to explain chapter 8 of science of class 7th the name of the chapter is winds

पीपल जो थे हो थे हो गए उसी ईयर सेम एक और सेकेंड साइक्लोन आया था जिसमें स्पीड थी टू सिक्सटी किलोमीटर पर आर तो इन इतनी तेज विंड इतनी ज्यादा स्पीड होने के कारण उन बहुत सारे लोग इफेक्टेड हुए थे इससे उनके घर घर बर्बाद हो गए थे उनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई थी इवन ईच सिस्टम एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सब कुछ क्या है डिस्ट्रॉय हो गया था तो ये साइक्लोन्स होते क्या हैं ये कैसे बनते हैं और ये क्यों डिस्ट्रक्टिव करते हैं इतना इतना नुकसान क्यों करते हैं तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छी तरह से उससे पहले आपको कुछ बेसिक इन्होंने फीचर्स बताए गए हैं साइक्लोन के रिलेटेड कि आपको पता होना चाहिए लाइक इन्वॉल्विंग एयर एयर क्या होती है तो स्टार्ट देखो यहाँ पे बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड अंडरलाइन दिस लाइन अगर आपसे पूछे वॉट इज़ विंड द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड देखो एयर तो हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है मीन्स अगर खड़ी एयर है स्टिल एयर है बिकॉज हम सांस ले रहे हैं कॉन्टीन्यूसली मतलब एयर तो हमेशा प्रेजेंट ही होती है हमारे एटमोसफेयर में लेकिन आप जब देखते हो कि हाँ मिट्टी उड़ने लगी आपकी कुछ लीवस आपको हिलते हुए बहुत तेजी से दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या उस टाइम पर एयर आपकी मूव कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड नेक्स्ट सी द टॉपिक एट पॉइंट वन एयर एग्जर्ट्स प्रेशर एयर क्या है प्रेशर लगाती है मीन्स ताकत लगाती है उसके लिए हमें एक एक्टिविटी देखनी पड़ेगी उससे हमें समझ लग आएगा कि किस तरह से एयर है जो वो प्रेशर एग्जर्ट करती है देखो एक्टिविटी से पहले एक प्रिकॉशन दी हुई है कि आपने ये एक्टिविटी ख़ुद नहीं परफॉर्म करनी है किसी टीचर की हेल्प से या अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो देखो आपने क्या करना है एक टिन लेना है टिन का कैन लेना है जिसके ऊपर ढक्कन लगाओ लिड लगाओ सी इन द डायग्राम इस तरह से आपने कैन लेना है उसके ऊपर ढक्कन भी लगा होना चाहिए मीन ढक्कन वाला कैन लेना है आपने फिर आपने क्या करना है उस कैन के अंदर पानी डाल देना है हाफ उसे फिल कर देना है पानी के साथ उसके बाद क्या हीट करना स्टार्ट करना है वाटर को विद द हेल्प ऑफ द कैंडल फ्लेम उसके बाद आपने देखना है कि जब तक वाटर बॉयल नहीं होता तब तक आपने उसे हीट करते जाना है जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा आपका तो आपने क्या करना है कैंडल को ब्लो आउट कर देना है उसके बाद साथ के साथ आपने ढक्कन जो है कैन के ऊपर लगा देना है फिर उसके बाद आपने क्या करना है ध्यान से उस कैन को वहाँ से हटाना है एंड उसे किसी वॉश बेसिन या कहीं पर रख के उसके ऊपर फ्रेश वाटर जो कि ठंडा होगा वो उसके ऊपर डालना स्टार्ट कर देना है आप देखोगे कि जैसे ही आप इसके ऊपर पानी डालते हो तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है अब ये शेप क्यों चेंज हो रही है इसका हमने रीजन फाइंड आउट करना है देखो आपको वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास टिन कैन नहीं है तो आप प्लास्टिक की बॉटल से भी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो अब इसका आंसर कि ये इसकी शेप क्यों डिस्टॉर्ट हो रही है क्यों खराब हो रही है डिस्टॉर्ट मीन्स शेप खराब हो रही है डिफॉर्म हो रही है उससे पहले कुछ और पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए देखो आपने देखा होगा कि जब आप फ्लाई करते हो काइट को पतंग उड़ाते हो तो आपकी जो विंड है वो आपको उसको उड़ाने में हेल्प करती है मीन्स आगे की तरफ धकेलती है ठीक है जैसे आप बोट में हो अगर कोई अगर आपको पीछे की तरफ से हवा महसूस हो रही है तो आपको उसको रोइंग करना उसे आगे ले जाना ईजी लगता है लेकिन अगर आप बाईसाइकिल पर राइड कर रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन में विंड चल रही हो आपके तो वो आपको डिफ़िकल्ट होता है उसको अपनी बाईसाइकिल को आगे लेके जाना आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ती है अपनी ताकत लगानी पड़ती है आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो बाईसाइकिल के ट्यूब्स हैं वो आप उसमें हवा भरते हो और अगर ज्यादा हवा भरती जाए तो वो बर्स्ट हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है देखो इस तरह से आपके टायर्स होते हैं ना टायर्स होते हैं इस तरह से ट्यूब होती है इसके सेंटर में यहाँ पे आप हवा एयर भरते हो जा, अगर ज्यादा हो जाए तो वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं फट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा क्यों होता है ये सारी जो एक्टिविटीज ये शो कर रहे हैं कि हमने कि जो एयर है वो क्या लगाती है प्रेशर लगाती है ताकत लगाती है इसीलिए ये सब होता है देखो काइट हवा में उड़ती है तो क्यों जैसे मूविंग एयर ज़्यादा होती है तो एयर की हेल्प से वो क्या आगे को मूव करना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब क्या एयर वहाँ पर प्रेशर लगा रही है अपना सिमिलरली यहाँ पर देखो यहाँ पे ट्यूब ने अगर आपने एयर ज़्यादा भर दी है तो वो एयर क्या उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगी जिसकी वजह से वो क्या फट जाएगा बैलून की एग्जांपल ले लो आप बैलून में एयर भरते, भरते, भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो ज़्यादा एक्सेस में एयर हो जाएगी तो वो बैलून भी क्या बर्स्ट आउट हो जाता है क्योंकि उसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर जो अपनी एयर है वो क्या है प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देती है ताकत लगानी स्टार्ट कर देती है बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है तो इस एक्टिविटी से हम ये क्लियर हो गया कि एयर क्या करती है प्रेशर एक्जर्ट करती है अब आते हैं कि हमारे जो कैन है इसकी शेप क्यों डिस्टोर्ट हुई इस अब ये जो हमने समझा है कि एयर प्रेशर एक्जर्ट करती है इसकी हेल्प से अब हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे ईजीली कि कैन की शेप डिस्टॉर्ट क्यों हुई देखो एज द वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन सम स्टीम इन द कैन कंडेंसीज इन टू वाटर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इन साइड देखो हुआ क्या हमारे पास ये कैन था आ, इसको आपने फ्लेम पे रखा हुआ है अंदर क्या वाटर है वाटर क्या करेगा इस तरह से फ्लै वाटर क्या क्या है वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे इवेपोरेट हो जाएगा जैसे ही आप उसे हीट करोगे बॉयल होने के बाद वो क्या वेपर्स बन के एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है आपने ऊपर क्या लगा दिया थलीढ लगा दिया था यहाँ पे वेपर्स इकट्ठे हो गए लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला आपने पानी डाला इसके ऊपर तो वो जो कुछ जो वेपर्स थे वो कंडेंस हो गए कंडेंसेशन का प्रोसेस आप सिक्स क्लास में पढ़े हैं कंडेंसेशन मीन्स वेपर्स कन्वर्ट इन टू वाटर अगेन जिसकी वजह से अंदर जो एयर की अमाउंट थी वो कम होगी अंदर जो एयर की अमाउंट थी वो कम होगी लेकिन जो बाहर है एटमोसफियर में एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से उसके ऊपर क्या प्रेशर ज़्यादा लगने लग गया यहाँ पे एयर कम होगी और वो अंदर की तरफ इस तरह से उसकी शेप क्या है खराब होगी देखो यहाँ पे क्या है बाहर से प्रेशर ज़्यादा हो गया अंदर एयर कम हो गई बाहर एयर ज़्यादा है उसका प्रेशर भी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो इसको अंदर की तरफ इस तरह से डिस्टॉट कर देते हैं इसकी शेप को क्या ख़राब कर देते हैं इस तरह से हमें इस एक्टिविटी से पता चलता है कि एयर क्या कर रहा है एग्जर्ट करती है प्रेशर नेक्स्ट है हमारे पास जो हाई स्पीड विंड्स हैं आर अंप्लीट बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर जो बहुत तेज़ी से चलती हैं विंड्स उनके अंदर जो प्रेशर है वो कम होता है उसके लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ दे रखे हैं हम उन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे बिकॉज जो स्पीड है वो स्पीड में निकल जाती हैं इसलिए प्रेशर वहाँ पर लगता नहीं है तो जो हाई स्पीड विंड्स हैं उनका जो प्रेशर है वो बहुत कम होते हैं देखो एक्टिविटी है क्या करना है इसमें आपने एक बॉटल लेनी है उसके बाद एक पेज लेना आपने पेपर का पेपर लेकर आपने क्या करना है उसे क्रम्पल इस तरह से मोड़कर छोटी सी बॉल बना देनी यहाँ पे दिख रही है येलो कलर की छोटी सी बॉल बनाकर उसे जो इसका माउथ है बॉटल का उसके अंदर रख देना है आपने ये याद रखना है कि जो स्मॉल बनानी है आपने बॉल का जो साइज है वो इसके जो माउथ है बॉटल का उससे छोटी हो ठीक है तो आपने क्या करना है आपने बहुत जोर से यहाँ से ब्लो करना है ब्लो करोगे जब आप एयर आप देखोगे कि ये जो बॉल है वो अंदर की तरफ नहीं जाएगी आप अपने फ्रेंड्स से कहो कि वो करके देखें इस तरह से ब्लो तो आप जितनी मर्जी फोर्स जोर से लगा लो लेकिन आप देखोगे कि बॉल अंदर नहीं जा रही है तो पहेली भू जो ये सोच रहे हैं क्वेश्चन कि क्यों नहीं फोर्स लगाने के बाद वो पेपर बॉल है बॉटल के अंदर जा रही है तो इसका आंसर मैं आपको दूँगी बाद में उससे पहले एक और एक्टिविटी इसी के रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं देखो अब क्या करना है आपने सेम ऐसे लेने हैं दो बैलून्स ले लेने हैं बैलून्स लेकर उनके अंदर क्या एयर भर देने कुछ थोड़ा सा वाटर डाल देना इनके अंदर उसे इस तरह से एक स्टिक पर टाई कर देना है दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए एट टू टेन सेंटीमीटर का या तो उसे साइकिल के ऊपर रख दो उसके बाद क्या करना है आपने ये देखो जैसे ये पर्सन सेंटर में ब्लो कर रहा है ना इसके सेंटर में इस तरह से ब्लो करना स्टार्ट करना है ज़ोर से तो ब्लो करने की वजह से बैलून इस तरफ जाने चाहिए थे साइड में होने चाहिए थे लेकिन ये क्या एक तरफ एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्लो करने की वजह के बावजूद भी ये हट क्यों नहीं रहे यहाँ से ऐसे ही और एक एक्टिविटी एक दे रखी है उसमें क्या करना है आपने एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है स्ट्रिप लेकर अपने मुंह पे रखनी है उसको ब्लो करना है तो पहली सोचते हैं कि शायद जो स्ट्रिप पर जब हम उसे ब्लो करेंगे वो अपवर्ड़ जाएगी वो जो सोचता है कि शायद वो डाउनवर्ड भी जा सकती है तो क्या होता है पेपर को कि वो इस तरह से अपवर्ड क्यों जाती है अब हम ध्यान से ये जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको तीनों बताई हैं एट पॉइंट टू एट पॉइंट थ्री एंड एट पॉइंट फोर इनको ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें क्या हो रहा है देखो स्टार्टिंग में क्या थी फर्स्ट वाली में हमने बॉटल के आगे बॉल रख दी थी और हम बहुत ज़ोर से प्रेशर से एयर लगा बहुत स्पीड से एयर ब्लो कर रहे थे जिसकी वजह से ताकि जो बॉल है वो अंदर चल जाए लेकिन बॉल जा नहीं रही थी तो इसका मतलब उस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इंक्रीज विंड स्पीड है इज़ अ कंपनीड बाई रिड्यूज एयर प्रेशर मीन्स उसका जो प्रेशर है वो बहुत कम है क्योंकि हम बहुत तेज़ी से ब्लो करने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे क्या प्रेशर क्या कम हो गया इसका मतलब तो यही हुआ इस एक्टिविटी से हमें देखने से यही पता चला जब हम ब्लो करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो एयर थी हमारे माउथ के पास उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसका प्रेशर कम हो गया लेकिन जो एयर अंदर की साइड है बॉटल में उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया हायर है उसका प्रेशर क्या ज़्यादा है क्योंकि वो वहाँ पे वो स्पीड में नहीं है तो इसी की वजह से हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो बॉल जो थी अंदर जा नहीं रही थी जो एयर इनसाइड है बॉटल के वो उसे पुश कर रही थी कि बाहर को आए देखो एक बार दोबारा देखो एक्टिविटी देखो यहाँ से आप ब्लो करने की कोशिश कर रहे हो बॉल आगे नहीं जा रही है तो इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है देखो आपकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है तो हमें यही पता चल रहा है इस एक्टिविटी से कि अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो वो ताकत उसकी कम हो जाती है एयर की और वो उस पर प्रेशर नहीं लगा पा रही है इसलिए वो अंदर नहीं जा रही है और बॉटल के अंदर भी एयर प्रेजेंट है इसका मतलब उसकी जो प्रेशर है वो ज़्यादा है इसलिए वो उसको अंदर आने नहीं दे रही वो उसको बाहर की तरफ धकेल रही है सिमिलरली इस एक्टिविटी में देखो बैलून को आप ब्लो करने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्लो नहीं हो रहे हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है बहुत ज़्यादा होगी इसलिए प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया इस एक्टिविटी से भी यही पता चलता है और जो हमारे एटमॉस्फेयर में साइड में एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर ज़्यादा है और वो उसको आपस में एक दूसरे की तरफ धकेल रही है लेकिन यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या प्रेशर क्या हो गया उसका कम हो गया एयर का इसीलिए इनके ऊपर ताकत नहीं लग रही है एयर की और जो बाहर एयर प्रेजेंट है वो अपनी ताकत लगा रही है इसलिए वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो इस एक्टिविटी से भी हमें ये पता चला कि जो स्पीड विंड होती है जिसकी विंड की स्पीड ज़्यादा होती है उसका प्रेशर क्या कम होता है सिमिलरली इस एक्टिविटी में क्या हुआ आप ब्लो कर रहे हो ब्लो करने की वजह बहुत तेज़ी से ब्लो कर रहे हो ऊपर की तरफ इस तरफ ब्लो कर रहे हो ना आप तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है स्पीड ज़्यादा होगी तो मतलब प्रेशर क्या हो गया कम हो गया लेकिन यहाँ पे नीचे एयर है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में जो जिसका प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए हमारी जो स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ उठ गई इसका मतलब इस तीनों एक्टिविटीज़ से हमें ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चला कि जो स्पीडी विंड होती हैं उसका प्रेशर क्या है कम हो जाता है अंडरलाइन दिस लाइन वी सी दैट इंक्रीज विंड स्पीड इज इन डीड बाय अ रिड्यूज एयर प्रेशर मीन जहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा हुई वहाँ पे प्रेशर क्या उसका कम हो जाता है लेकिन आपने ये भी देखा है कि जो हाई स्पीड विंड्स हैं वो रूफ्स जो छते हैं कई जगह पे वो उठा कर ले जाती हैं तो वो क्यों होते हैं ऐसे क्योंकि रूफ्स क्या वीक हो सकते हैं कच्ची हो सकती हैं बहुत ज़्यादा इसीलिए वो उन उनको क्या आप आ, वो हाई स्पीड विंड अपने साथ ब्लॉन अवे अपने साथ ले जाती हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है देखो इसमें बोल रहे हैं कि हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन कॉज डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स ये बोल रहे हैं कि अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि विंड्स बनती कैसे हैं विंड्स क्या हैं मूविंग एयर मतलब एयर मूव करना कब स्टार्ट करती है और उसकी वजह से रेन कब होती है और वो डिस्ट्रक्टिव कब बन जाती है मींस डिस्ट्रक्टिव मींस नुकसान कब करती है देखो हमने ये तो पता चल गया कि विंड क्या होती है जब एयर मूव करती है व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड द विंड न अब एयर मूव कैसे करती है एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो जहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से किस तरफ जाती है एयर जहाँ पे प्रेशर कम होते हैं देखो आपने झरने देखे होंगे जो पानी है ऊपर हाई स्पीड से आता है उसका प्रेशर ऊपर ज़्यादा होता है और वो नीचे की तरफ़ गिरता है क्योंकि नीचे प्रेशर कम होता है कभी देखें नीचे से ऊपर जाते हुए पानी को नहीं तो इसका मतलब हमारी एयर भी इसी तरह से मूव करती है जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से कहाँ जाने की कोशिश करती है जहाँ पर प्रेशर लो है अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ प्रेशर का तो वो एयर क्या बहुत तेज़ी से मूव करती है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती है नुकसानदायक करती है तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कैसे होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है या आप कम टेम्परेचर है जहाँ पे कम टेम्परेचर होगा कोल्ड रीजन होंगे वहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा तो अभी हम ये ये टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है उसको इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है देखो इस एक्टिविटी में क्या करना है आपने एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको आपने ये ट्यूब लेनी है बॉयलिंग ट्यूब और उसके ऊपर क्या लगा देना है एक बैलून लगा देना है आप इसको एक टेप के साथ भी टाइटली बांध सकते हो ताकि इसमें से एयर रिलीज ना हो ठीक है उसके बाद क्या करना है इस बीकर में आपने बॉइलिंग वाटर ऐड कर देना है फिर आपने ये जो ट्यूब है इसको उठाकर आपने बॉइलिंग वाटर में रख देना है बॉइलिंग ट्यूब इमर्ज इन हॉट वाटर दो तीन मिनट यहीं पे रखे रखना है आपने इसको बॉयलिंग वाटर में आप कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करो कि क्या शेप चेंज होती है बैलून की देखो आपने जब पहले ली थी टेस्ट ट्यूब और उस पर स्ट्रेच किया था तो इस तरह से था बैलून लेकिन जैसे ही आपने उसे बॉयलिंग वाटर में रखे रखा दो तीन मिनट बाद आपने देखा कि उसकी शेप चेंज होगी उसमें एयर फिल होगी उसके बाद क्या करना है आपने इसको ट्यूब को यहाँ से निकाल लेना जब आप देख लोगे कि शेप चेंज होगी उसे ठंडे पानी में रख देना आइस कोल्ड वाटर में रखा है आप देखोगे कि ये इस तरह से दोबारा अंदर को चला जाएगा मीन्स उसकी शेप दोबारा से चेंज हो जाएगी देखो ध्यान से और सोचो क्या आपको इससे ऑब्जर्व करने को मिल रहा है क्या हुआ जिसकी वजह से इनफ्लेट मीन्स ये फूल गया था गुब्बारा और क्या हुआ कि दोबारा से डीफ्लेट मीन्स दोबारा से सिकुड़ गया गुब्बारा क्या हम जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है इससे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी जो एयर थी वाटर बॉयल हुआ हमारी यहाँ पे एयर तो है एटमॉस्फेयर में इसके अंदर एयर भी है कुछ तो वो एयर क्या थी यहाँ पे जाके एक्सपैंड होगी फैल गई जब हीटिंग वाले वाटर में उसे रखा गया मींस क्या हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी जो एयर है वो एक्सपैंड करती है जब उसे हीटिंग मिलती है एयर एक्सपेंडज ऑन हीटिंग देखो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर में रखा तो यहाँ पे फिल क्या हुआ है यहाँ पे एयर ही फिल हो रही है और क्या हो रहा है लेकिन वो एकदम से इस तरह से क्या है फैल गई है उसको उसने इन्फ्लेट कर दिया फुला दिया पूरा तो क्यों फुलाया क्योंकि वहाँ पे क्या थी एयर हॉट हो गई थी हॉट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठने लगी जिसकी वजह से वो इसके ऊपर फैल गई लेकिन यहाँ पे क्या हुआ जब हमने कोल्ड वाटर में रखा तो वो क्या सिकुड़ गया दोबारा से मीन्स ठंडे होने पर कूल होने पर जो एयर है वो एक्सपेंड नहीं करती वो कंट्रैक्ट कर गया उसने बैलून को वो क्या नीचे की तरफ चली गई है तो इस एक्टिविटी से हमें यही ऑब्जर्व करने पे मिल रहा है कि जो एयर है वो एक्सपेंड होती है जब हम हीट करते हैं एक्टिविटी आप देख रहे हो इसमें भी आपको और क्लियर होगा कि एयर की वजह से किस तरह से जो मतलब हॉट एयर है किस तरह से एक्सपेंड करती है जो हमारी हॉट एयर है वो किस तरह से ऊपर की तरफ जानी स्टार्ट कर देती है और वो किस तरह से एक्सपेंड करती है एक्सपैंड का मतलब क्या वही कि वो नीचे जो अपनी जगह से ऊपर की तरफ हिलना स्टार्ट कर जाती है जब गर्म होती है तो इधर मतलब ज़्यादा स्पेस कवर करनी स्टार्ट कर देती है ऊपर की तरफ उठ जाती है एक्टिविटी में देखो क्या करना है आपने दो पेपर बैग्स ले लिए ये देखो इस तरह से उनको उल्टा करके लटका दिया है यहाँ से इनके मुँह ओपन माउथ ओपन है इनके इस तरह से ओपन करके रखने फिर क्या करना है एक बैग के नीचे आपने कैंडल रख देनी है कैंडल जैसी आप देखो देखो यहाँ पे क्या हीट है हीट की वजह से यहाँ की जो एयर क्या होगी वहाँ पे वाम होनी स्टार्ट हो जाएगी वार्म होनी स्टार्ट हो जाएगी वार्म होगी तो यहाँ पे देखो वार्म होने की वजह से देखो यहाँ पे पहले तो बैलेंस थी दोनों लेकिन जैसे इसके नीचे हमने एयर ये कैंडल रखी कैंडल ने क्या किया एयर को वार्म कर दिया वार्म होने की वजह से ये कि थोड़ा सा ऊपर को उठना स्टार्ट हो गया इसका मतलब हमें इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व हो रहा है क्या हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी जो वार्म एयर होती है वो राइज होती है ऊपर की तरफ जाती है क्यों क्योंकि वो हल्की होती है एज़ कंपेयर टू द कोल्डर एयर जो ठंडी एयर है वो भारी होती है जिसकी वजह से वो नीचे ही रहती है अपनी जगह पे देखो ये नहीं हिला है क्योंकि यहाँ पे कोई भी गर्म करने के लिए हमने नहीं रखा है कुछ भी लेकिन यहाँ पे हमने कैंडल रखी थी यहाँ पे होट हो गई थी एयर एयर हर वार्म होने के बाद गर्म होने के बाद क्या ऊपर की तरफ उठने लगी जिसकी वजह से इनका बैलेंस क्या ख़राब हो गया तो दोनों एक्टिविटीज़ से हमें 8.5 में क्या पता चला कि जो एयर है वो एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग पॉइंट सिक्स में हमें और भी क्लियर हो गया कि जो एयर है हमारी जो हॉट होने के बाद वार्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठनी स्टार्ट हो जाती है बिकॉज वार्म एयर इज लाइटर एज कम्पेयर टू द कोल्डर एयर यहाँ पे देखो बता पूछ रहे हैं आपसे कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप कि जो हमारे जो धुआं है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों उठता है देखो ये याद रखना आपने इंपॉर्टेंट है कि जो हीट करने के बाद जो हमारी एयर है एक्सपेंड कर जाती है फैल जाती है फैलने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करती है ऑक्योपाइज मोर स्पेस वही अगर सेम चीज़ ज़्यादा कवर करे एरिया को स्पेस को तो वो क्या हल्की हो जाती है वो क्या लाइटर हो जाती है जिसकी वजह से क्या वो तो वार्मर एयर इज देर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर दैट इज द रीज़न दैट स्मोक गोज अप क्योंकि स्मोक भी क्या है वार्म एयर होती है उसमें इसीलिए वो भी क्या ऊपर की तरफ हमेशा धुआं क्या हमेशा ऊपर की तरफ उठता है नीचे की तरफ कभी देखा आपने नहीं बिकॉज वो क्या वार्म एयर होती है और वार्म एयर होने के बाद वो एक्सपैंड हो जाती है ज़्यादा जगह कवर करती है जिसकी वजह से वो लाइट हो जाती है इसीलिए वो हमेशा क्या ऊपर की तरफ उठती है आपने चैप्टर फोर्थ में भी पढ़ा है सी ब्रीज लैंड ब्रीज उसमें भी आपको बताया गया था कि जो वाम एयर है वो लाइटर होती है एज कंपेयर टू द कोल्डर एरिया कोल्ड कोल्ड एयर इसीलिए जो एयर है कई जो कुछ एरियाज हैं वहाँ पे जैसे आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के, के केस में पढ़ा था कि जो वाम एयर है वो राइज कर जाती है उस जगह से और जो लोअर एयर है वो उसकी जगह जो कूलर एयर है वो उसकी जगह ले लेते हैं जैसे ये देखो यहाँ पे सपोज कर लो इस एरिया पे वार्मर एयर थी वार्मर एयर ऊपर राइज हो जाएगी लेकिन जो उसके आसपास के एरिया में कोल्डर एयर होगी तो वो उसकी जगह ले लेगी तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं जो आपने चैप्टर फोर्थ में अच्छी से पढ़ा है मेन आपने बस यहाँ पर यही लर्न करना है कि जो वार्मर एयर है वो लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्डर एयर जो गर्म हवा है वो हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड एयर इसीलिए तो जब हम पानी गर्म करते हैं जो वेपर्स हैं वो ईज़िली क्या ऊपर की तरफ जाते हैं क्यों जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो क्या गर्म हुए होते हैं और वो क्या होती है गर्म एयर क्या होती है हल्की होती है जो कि ऊपर की तरफ उठनी स्टार्ट हो जाती है आपने हॉट एयर बैलूनस भी देखे होंगे जो उड़ते हैं हवा में तो वो भी इसी तरह से उड़ते हैं बिकॉज उसमें हम फ्लेम लगा देते हैं एक फ्लेम की वजह से वहाँ पे गैस भर जाती है जो कि गर्म होती है और गर्म क्या होता है हल्की हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो बैलून है वो ऊपर की तरफ जाता रहता है